जानी टी वी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 6 अप्रैल और बुध का दिन है, हम आपके लिए प्रोग्राम लाए हैं कबूलियत दुआ का। इससे कबल के जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपको जनाब हम मुबारकबाद पेश करने की सआदत हासिल करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतों में से ये जो रमज़ान करीम का महीना दिया है, ये जनाब लम्हा लम्हा दुआ है, लम्हा लम्हा कबूलियत दुआ का वक्त है। और आज जब मैं प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो मुझे यकीनन मुझे ख्याल आया कि ये मैं कहाँ हूँ और ये अल्लाह की ज़ात कहाँ है। मैं तो चंद लम्हात निकाल के हदिया करने की सआदत हासिल करता हूँ अपनी कम इल्मी के तहत, लेकिन अल्लाह कितना करीम है कि अल्लाह ताला ने पूरे महीने को जनाब बाबरकत बना दिया। पूरा महीना इबादत और रियाजत का और पूरा महीना ही दुआ का। कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जब आदमी परवरदिगार से लौ लगाए और अल्लाह की किबरियाई को अपने ज़हन में रख के यकीन गामल से दुआ करे तो मजाल नहीं कि उसकी दुआ कबूल ना हो। और फरमान रसूल सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का कि आप अल्लाह की पे कामल भरोसा करते हुए उसकी खुद उसकी जो शनासाई है, खुदा शनासी और खुदा की किबरियाई को आप अपने ज़हन में रखते हुए अल्लाह ताला से दुआ करें तो ये बैत नहीं है कि पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। तो ये जनाब लम्हात आए हैं और हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमें रमज़ान करीम के ये बरकत बाबरकत अय्याम मिले। आज वैसे भी आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात वैसे भी औलिया अल्लाह का दिन है और इस साल का मालिक मंसूब सितारा मुश्तरी जो कुली तौर पर खैर बरकत का सितारा है, रूहानियत का सितारा है, दौलत का सितारा, मज़हब और कानून का सितारा और औलिया अल्लाह की दरगाहों में जनाब कितनी रौनक होती है। और मैं क्या अर्ज़ करूँ कि इस पूरे महीने में ही दुआओं की कबूलियत का वक्त चल रहा है, लूट सेल चल रही है। आप जनाब अल्लाह में माफ़ करें, अल्लाह को जितना लूटना चाहें, जितनी अपनी नाम अमाल में नेकियाँ लिखवाना चाहें आप लिखवा सकते हैं। अल्लाह बड़ा ही करीम है और अल्लाह वक्त और इस जो बरकत वाली मुक़दस लम्हात हैं, अल्लाह पाक हम सब की दुआएं मुस्तजाब करें और अपनी दुआओं की यकीनी कबूलियत के लिए आप अल्लाह की किबरियाई भी ज़हन में रखें और यकीन काम से दुआ करें कि आपकी दुआएं बारगाह खुदावंदी में मुस्तजाब होंगी। और अपने से ज़्यादा यह है कि वतन अज़ीज़ और अपने प्यारों के लिए दुआ करें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो फिर मुकाफ़त अमल करते हैं, दूसरे भी हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डालता है कि हम हमारे लिए दुआ करें और जिनके वालदैन हयात हैं, ख़ासतौर पर माँ हयात हैं, उनसे दुआ कराएँ और इस बाबरकत महीने की जनाब भरपूर फजीलत से फैज़याब हों। मैं अपनी कम इलमी के इतराफ़ के साथ आज के जो कबूली दुआ के वक्त हैं पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। पहला वक्त जो मैंने निकाला है ये 1:30 से लेके 2 बजे का वक्त है और उसके बाद जनाब 10:26 से लेके 10:56 का वक्त है और फिर रात 22:15 से लेके 22:45 है, जिसे हम रात 10:15 से लेके 10:45 का वक्त कहेंगे। वे भी जनाब तस्बीह सलात और तलावियों का वक्त है। आप जहाँ कहीं भी हों जनाब इसमें दुआ करें और दुनिया में कहीं भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने स्मार्टफोन पे जनाब अपना मुकामी और मेयारी वक्त तब्दील करके आप दुआ करें। ये सैयदज़ादा भी दुआ करता है कि आज आप जो भी दुआ करें अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल करें। आज के लिए इतनी शहादत जाने को इजाज़त दीजिएगा, बशर्ते ज़िंदगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।